एचआरटीसी चालक यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर आज मोर्चा खोलते हुए गेट मीटिंग का आयोजन किया। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। यूनियन के प्रधान ओम शंकर ने कहा, 12 से 19 मई तक प्रदेश में एचआरटीसी के प्रत्येक डिपो पर दोपहर के समय गेट मीटिंग करके मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। यदि उसके बाद भी सरकार और निगम प्रबंधन ने उचित कदम नहीं उठाए तो अगली रणनीति तैयार करके उस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी वित्तीय समस्याओं, छठे वेतन आयोग को लागू करने, रात्रि भत्ते, ओवरटाइम, स्टाफ की कमी, कल पुर्जों का अभाव, अन्य लंबित मांगों को मनवाने के लिए उन्हें गेट मीटिंग करने को मजबूर होना पड़ रहा है। मैं ओम शंकर, ड्राइवर यूनियन प्रधान चंबा यूनिट। सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधु का स्वागत करता हूं कि यही हमारा एक चौथा स्तंभ है जो कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाता है। आज 12 तारीख से हमारी जो गेट मीटिंग शुरू हुई है, इसका मुख्य कारण है छठा वेतन आयोग ना मिलना और वित्तीय लाभ नहीं मिलना और हमारे बक्सों में जो कल पुर्जे और मैकेनिकों की जो रिक्त स्थान खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरना और हमारा वेतन जो है वो पहली तारीख को देना और भी अन्य हमारे वित्तीय लाभ हैं। इसके लिए हमने 25 अप्रैल को एमडी महोदय जी को एक ज्ञापन दिया, उसे हमने ये कहा था कि ये हमारी मुख्य मांगे हैं, इन मांगों को जल्दी आप हल कीजिए। और हमने 12 तारीख का तक उनको टाइम दिया था, वो टाइम जो है वो पूरा हो चुका है, इसलिए हम आज गेट के ऊपर आ गए हैं। 19 तारीख तक जो है हमारा ये गेट मीटिंग का सिलसिला चलेगा। 19 तारीख के बाद अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी तो अगला हमारा जो निर्णय होगा वो 19 तारीख के बाद जो रणनीति बनेगी उसके तहत जो हम आगे का जो आंदोलन है उसको जारी रखेंगे। मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर जी और एमडी महोदय हिमाचल पथ परिवहन शिमला, मैं उनसे यही मांग करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इस जो आपका विभाग है हिमाचल पथ परिवहन, जिसको आप साधना समन्वय सेवा का नाम देते हैं, तो इसको जागरूक रखने के लिए कर्मचारियों की तरफ भी ध्यान दीजिए कि उनका जो जितने भी ड्यूज है वो टाइम से दिए जाए, ताकि वो अपने परिवार का, अपने आप का और कई प्रकार के जो उनकी जो दिक्कतें हैं उनको वो टाइम से निपटा सके। क्योंकि हर बार जो है एक एचआरटीसी विभाग है जिसे कर्मचारी जो है गेट पर आकर के अपने हक। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। लोकतंत्र के पक्षधर, अपराध रहित और देश प्रेम से प्रेरित नागरिक, जन एकता पार्टी की हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी, जिला व खंड स्तरीय कार्यकारिणी और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए फेसबुक आईडी anilukd7@gmail.com और janektaparty.com या मोबाइल नंबर 9758059500 पर संपर्क या मैसेज करें। राजनीतिक रुचि व योग्यता रखने वाली युवा पीढ़ी विशेष आमंत्रित है।